लोकसभा चुनावों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है और चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को कांटे की टक्कर देने के लिए तैयार है। हमीरपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह डोगरा ने कहा कि हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा लोकसभा सीटों पर यूपीए गठबंधन पर चुनाव लड़ता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस मांग रखती है कि हमीरपुर और कांगड़ा सीट पर राष्ट्रवादी पार्टी का ही उम्मीदवार उतारा जाए। प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह डोगरा ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस चुनावों को लेकर तैयार है और चारों सीटों पर उम्मीदवारों के परखने का कार्य किया जा रहा है ताकि अच्छा उम्मीदवार लोकसभा चुनावों के लिए मिल सके। 2019 के चुनावों के लिए कल ही दिल्ली के अंदर यूपीए गठबंधन की एक बैठक हुई है श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में। अभी उसका डिसीजन वैसे तो आना बाकी है कि यूपीए गठबंधन में कहां कहां और किन सीटों पर कौन कौन सी पार्टी लड़ेगी, लेकिन पार्टी आला कमान माननीय श्री शरद पवार जी से और तारिक साहब से मेरी बात हो चुकी है, जिसमें हम ऑलरेडी ये डिमांड रख चुके हैं कांग्रेस के सामने कि यदि यूपीए गठबंधन होता है 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए तो हमीरपुर लोकसभा और कांगड़ा लोकसभा एनसीपी को मिलेगी। बिल्कुल अगर गठबंधन में सारी बातें ठीक बैठती हैं और गठबंधन का हमीरपुर लोकसभा टिकट हमारे पास आता है तो बिल्कुल हम चुनाव लड़ेंगे। ये भी हो सकता है हम कोई अच्छा प्रत्याशी उतारे या ये भी हो सकता है कि मैं स्वयं इस सीट पर अपनी दावेदारी रखूं, बट फिर भी अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल तय है यदि गठबंधन होता है तो हमीरपुर और कांगड़ा लोकसभा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। नहीं, एक्चुअली गठबंधन में ये तय किया जाता है कि जिन पार्टियों का आपस में गठबंधन है उन पार्टियों में से जो भी टिकट की दावेदारी रख रहे हैं उन प्रत्याशियों में से कौन सा प्रत्याशी सबसे ज्यादा सक्षम है। यदि गठबंधन में हमारे को ये टिकट नहीं मिलती है पर कांग्रेस के पास हमारे से ज्यादा या मैं यूं कहूं कि मेरे से ज्यादा सशक्त उम्मीदवार कोई ऐसा आता है जिसका पॉलिटिकल कैरियर 15-20 साल का हो, जिसका समाज में उतना इंट्रैक्शन हो लोगों के साथ में, तो जरूर हम दूसरे बंदे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन किसी भी नौसिखिए कैंडिडेट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहयोग नहीं करेगी हिमाचल प्रदेश के अंदर।